हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज लाइव आई हूँ। अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कैसे लाइव चलते हैं, मुझे नहीं पता मैं लाइव देख रही हूँ नहीं देख रही हूँ। अगर कोई मुझे देख पा रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि ये वीडियो लाइव हो गया है क्या। नवरात्रि पर मेरे पास एक मैसेज है आप सबके लिए। नवरात्रि पर हम देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। बहुत ही पावन दिन है, मन भी बड़ा शांत और बड़े ही खुश मिजाज से हम रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं नवरात्रि कुछ अलग ढंग से मनाती हूँ। मेरा नवरात्रि मनाने का जो तरीका है वो ये है कि हम जो औरतें लड़कियाँ जो होती हैं, अगर हम सही मायने में शिक्षित हो जाएं, सिर्फ शिक्षित ही नहीं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक भावनात्मक तौर पर अगर हम मजबूत हो जाएं, तो शायद तभी हम सही मायनों में अपनी बेटियों की रक्षा कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी कुछ अलग सोच के साथ मैं पिछले कुछ सालों से कुछ लड़कियों की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रही हूँ, और जितना भी मुझसे हो सकता है मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ, आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। और इस नवरात्रि मैंने इसी को एक बड़ा रूप देने की कोशिश की है, जिसके लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन वंडरफुल यू की तरफ से हम एक पहल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे यूपी बोर्ड्स के स्कूल की जो गर्ल्स होती हैं, जो किसी न किसी वजह से वंचित रह जाती हैं या ऐसा कुछ बिलीफ रखती हैं कि शायद वो जो CBSE या ICSE में पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं उनके जैसी नहीं है या वो उतना कुछ अचीव नहीं कर सकती, तो उनकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए, उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ आप भी सब कुछ कर सकती हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो, आप भी मजबूत हो, आप में भी वो सारी शक्तियाँ हैं जो बाकी दूसरी लड़कियों में हैं। तो इसी सोच के साथ हम यूपी बोर्ड की जो गर्ल्स स्कूल हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे रेगुलर बेसिस पर और वहाँ पर बच्चियों को मोटिवेट करेंगे और उनको मानसिक और भावनात्मक तौर पर सशक्त करेंगे, ताकि वो आगे बढ़ सके और खूब नाम रोशन कर सके। फिर हम हर स्कूल को ये बोलेंगे कि आप अपने यहाँ से कोई भी हमें पर स्कूल 10 बच्चियाँ ऐसी चुन कर दीजिए जिनको लगता है कि वो आगे बढ़ सकती हैं। हम उन्हें ट्रेन करेंगे मेरे क्लिनिक पर, हम उन्हें 10 हफ्तों तक ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम उनका टेस्ट लेंगे और जो भी पर बैच 5 बच्चियां टॉप करेंगी तो उनकी पूरी एजुकेशन मैं स्पॉन्सर करूंगी, ताकि मेरे छोटे से सहयोग से अगर कुछ जिंदगियां भी सकारात्मक हो जाएं, पॉजिटिव हो, वो बच्चियां आगे बढ़ें, तो मुझे लगेगा कि सही मायने में मैंने देवी माँ की आराधना कर ली है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ कि अगर बेटियों को एक सरा सी सपोर्ट मिल जाए तो अपने पंख बहुत अच्छे से फैलाकर खूब ऊंचा आसमान में उड़ सकती हैं। और आज वैसे भी पहला नवरात्रा है, माँ शैलपुत्री हम सभी को बहुत आशीर्वाद दें। तो शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में भी मैं कुछ अपने जो व्यूज़ हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। माँ शैलपुत्री के स्वरूप को अगर हम ध्यान से देखें, शैलपुत्री पार्वती के रूप को कहा जाता है। शैलपुत्री यानी कि हिमालय की बेटी। हिमालय जैसा ऊंचा और मजबूत हम बेटियों को बनना है, और शैलपुत्री जो है वो बुल पर विराजमान है, जिसको कहते हैं ना अड़ियल, जिद्दी, तो हमें भी जिद्दी बनना है अपनी सक्सेस के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और उनके जो एक हाथ में है वो है त्रिशूल। त्रिशूल में 3 वो होते हैं जो कि डिपिक्ट करता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको मैनेज करना आना चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया, आज में जिंदगी है और मेरा आगे आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। और माँ के एक हाथ में कमल का फूल है, कमल की प्रकृति को समझिए। कमल क्या है, कीचड़ में खिलता ज़रूर है लेकिन अपने ऊपर कीचड़ को टिकने नहीं देता है, और वो अकेला ही खिल जाता है। इसका मतलब यह है कि हम लड़कियाँ इतनी मजबूत हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अगर पैदा हुई हों कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके का कोई भी कीचड़ हम पर आए हम अपने आप को साफ रख सकते हैं, हम अकेले भी चमक सकते हैं और अपने वैल्यू इस कदर बना सकते हैं कि हम एक दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ सकते हैं। तो आप कहीं भी किस भी हालात में हुए हो ये फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोच कितनी ऊंची है, आप पहुँचना कहाँ चाहते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो बस इसी सोच के साथ मुझे लगा कि एक अलग अनूठी पहल सोच की जाए।
सो मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी बच्चियां हैं जो वंचित हैं किसी भी तरीके से, मानसिक और भावनात्मक तौर पर अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, तो आप हमें बताइए, हम ऐसी बच्चियों को ट्रेन करेंगे बिल्कुल मुफ्त में, हम उनसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। और इस सारे काम से मुझे जो मिलता है वो मिलता है सेटिस्फैक्शन, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है कि मेरा जीवन जो है वो सार्थक हो गया है, मैं आगे बढ़ी और मैं अपने साथ और लोगों को भी अगर बढ़ा पाऊँ तो इससे बड़ा रिवॉर्ड मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। और बेटियों के साथ साथ मैं हमारी जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ 20 अक्टूबर को, जिसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी लेडी पार्टिसिपेट कर सकती है। मैं वुमेन्स को कैसे अपने लिए जी सकती हैं, हम वीमेंस जो है ना वो मल्टीटास्कर होती हैं, हम घर में भी काम करते हैं, हम बाहर भी काम करते हैं, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखते हैं और तमाम और सारी परेशानियों को मैनेज करना भी हमें पड़ता है या हम खुशी से करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपने आप को हंसता मुस्कुराता रख सकते हैं, तो उसी के लिए लिव फॉर योर सेल्फ एक सेमिनार मैं 20 तारीख को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है, आपको 15 तारीख तक इसमें अपने लिए रजिस्टर कराना है और आप हमें अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी भी भेज सकती हैं लेडीज़। अगर आपकी कोई भी छोटी बड़ी ऐसी कहानी हो जिससे पढ़कर या जानकर कोई भी इंस्पायर हो आगे बढ़ने के लिए, तो आप हमें भेजिए, हम कुछ स्टोरीज़ को चुनेंगे और उनको अवार्ड देंगे। और मैं बहुत ही ईगरली वेट कर रही हूँ कि ढेर सारी मेरी फ्रेंड्स आएँ इसमें पार्टिसिपेट करें और हम साथ में मिलकर कुछ चीज़ें मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कुछ बातें आप मुझे सिखाए आएँ और हम सब मिलकर बहुत आगे बढ़ें। और मेरे जो मेल फ्रेंड्स इसको सुन रहे हैं तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके घर में भी आपकी सिस्टर्स, मदर्स, आपकी वाइफ या आपकी फ्रेंड्स हैं तो आप उनको भी अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए मोटिवेट कीजिए और आप उनको बोलिए कि ये 20 तारीख के इवेंट के लिए वो रजिस्टर करें, ताकि हम फीमेल्स मुस्कुरा कर भी अपनी खूबसूरती बढ़ाते रहें, होता है ना एक फीमेल्स में। चलिए, और आज ना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है, तो मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ तो मैं मेंटल हेल्थ की टिप्स ज़रूर दूंगी आपको। देखिए भाई, मेंटल हेल्थ के लिए ना हमें कैसे पता चलता है कि हम खुश हैं, तो 4 मेजर केमिकल्स हैं, हैप्पीनेस केमिकल्स, अगर वो हमारी बॉडी में नेचुरल वे में अच्छे से रिलीज होते रहते हैं, एक बैलेंस रहता है, तो हमें पता चलता है कि हम खुश हैं। तो उसके लिए उनको मैं ऐसे बताती हूँ, डोज आपको डेली अपनी डोज लेनी है, डी फॉर डोपामिन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन एंड ई फॉर एंडोर्फिन। अब देखिए, जो डोपामिन होता है ना वो हमारा अचीवमेंट मॉलिक्यूल होता है, हम कोई भी अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं और अगर हम उसे अचीव कर सकते हैं, नो मैटर वो गोल बड़ा है या छोटा है, सिंपल एक डेली लाइफ का गोल भी हो सकता है, अगर आप उसे अचीव करते हैं तो उसके बाद डोपामिन आपके अंदर रिलीज होता है और आप बहुत खुश, हैप्पी फील करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, अपनों के साथ टाइम बिताते हैं, किसी को टच करते हैं, तो उससे वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे हम बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह से जो सेरोटोनिन होता है उसे मूड मैनेजर कहते हैं, एक सर्विंग मॉलिक्यूल होता है, जब आप अपने साथ साथ किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उससे सेरोटोनिन भरपूर मात्रा में रिलीज होता है। आप देखिएगा, कभी भी आपका मूड खराब हो और आप उस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी मिले किसी की थोड़ी सी भी मदद करने की, तो आपका एकदम से मूड चेंज हो जाएगा, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और एंडोर्फिन होता है हमारा पेन किलर, यानी कि वो तब हमारी बॉडी में रिलीज होता है जब हम कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं। तो इन सबको आप नेचुरल वे में कैसे रिलीज करा सकते हो डेली बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, उसकी मैं आपको टिप्स दे देती हूँ। देखिए, लोग ऐसी शिकायत करते हैं, मैं करना तो ना बहुत कुछ चाहती हूँ बट ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा शेड्यूल ही बहुत बिजी है। तो मैं समझ रही हूँ कि आप सबका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो मैं आपके बिजी शेड्यूल के हिसाब से ही आपको टिप्स बता रही हूँ। आप सुबह सुबह आप अगर अपने लिए 20 मिनट स्पेयर करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आप चाहे वो सिंपली वॉक करें, आप
आप स्पॉट जॉगिंग करें, आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप किसी भी तरीके का कार्डियो या एरोबिक्स करें, तो आप जब वो एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी में एक फास्ट मूवमेंट होगा, तो उससे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होगा, तो सुबह सुबह आप ना वो अपना टैंक भरेंगे जिसमें वो हैप्पीनेस केमिकल होंगे। इसी तरीके से आप माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप जब नहा रहे हो तो नहाते वक्त आप शावर लेते हैं, तो उस वक्त ना आप अपने आप को नेगेटिविटी को जो है ना वो जो पानी बहकर जा रहा है आपकी बॉडी के ऊपर से, तो आप एक विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं उस वक्त की, जो पानी मेरी बॉडी के ऊपर से जा रहा है ये सिर्फ मेरी शरीर की गंदगी नहीं, वो मेरे मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं उसको भी धो रहा है। आप उस टाइम अपने आप को पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हैं कि मेरे अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो बहकर इस पानी के साथ जा रही है, मेरे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं जो जो भी अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण करूँगी उस सब को मैं अचीव करूँगी, आज मैं हर बुराई को अनदेखा करके माफ़ करके आगे बढ़ती ही चली जाऊँगी, खुश रहूँगी। इस तरीके से आप अपने आप को उस वक्त भी पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हो तो आप अपने खाने को पर ध्यान देकर आप उस एक बाइट को अच्छे से च्यू करते वक्त आप उसके टेस्ट को पूरा वो कैसे आपके मुंह में घुल रहा है आप उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रहकर भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जिस टाइम का जो गोल होगा, जैसे नहाते वक्त आपका गोल है आप नहाना, खाते वक्त आपका गोल है उस खाने को अच्छे से फिनिश करना, अपने स्टमक को फिल करना, या आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कुछ है, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। और जैसे ही आपका गोल अचीव होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, डोपामिन आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में रिलीज होगा। तीसरा, अगर आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज कराना है तो उसके लिए आप ये प्लीज़ जो हमारे ये जो वर्चुअल वर्ल्ड के फ्रेंड्स होते हैं ना, जिसको हम हाय हे व्हाट्सएप ऐसे करते रहते हैं, देखो इनसे ना काम नहीं बन रहा है। इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो थीम है वो है यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ। तो आज जो हम यंग लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो खुशियां हैं ना वो हम वर्चुअल वर्ल्ड में तलाश रहे हैं, हम एक्चुअल में अपने दोस्तों से नहीं मिलते, रिश्तेदारों से मिलते नहीं हैं, उनपे से फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, हम सारी बर्थडे एनिवर्सरी भी जो विश करते हैं या जो फोटोज़ पर अचीवमेंट्स पर जो कमेंट्स करते हैं वो फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपके अंदर वो सेरोटोनिन रिलीज हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ 10 मिनट कम से कम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ताकि आप उनके साथ बैठें, आप उन्हें छुएं, हंसें, बोलें, और उस प्रक्रिया में आपके अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होगा। या आप एक अपनी हैबिट भी बना सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को या नियर डियर्स को आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं हर दिन 2 लोगों से फ़ोन पे बात करूंगा या किसी से मिलूंगा, तो इससे आपका ही फ़ायदा है। और सेरोटोनिन जो कि हमारा मूड मैनेजर है, आजकल बड़े मूड स्विंग्स होते हैं ना, बड़े परेशान से रहते हैं, खुशी नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ है लेकिन फिर भी खुश नहीं है, वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, आप कभी दूसरे के लिए कुछ एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते हैं। हम सोचते तो हैं, हम चाहते भी हैं, बट वो एक्शन में कैसे लेकर आए, और जब एक्शन में नहीं लेकर आते हैं तो मूड ही खुश नहीं रहता है, बस सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जिए जा रहे हैं। तो आप क्या करें, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप जो है ना, मैं मेरे को किसी उससे फैसिलिटीज से सुविधाओं से कोई परहेज नहीं है, और मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अपने जो मटेरियलिस्टिक लव है उसको बिल्कुल छोड़ दें, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप उससे ऊपर सोचें, आप ये सोचें, प्रण लें कि आज मुझे कम से कम 2 लोगों की किसी भी रूप में मदद करनी है। और मदद करने का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता, मदद आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, मदद आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप किसी के साथ 5 मिनट बैठकर उसे पॉजिटिव कर दें, आप मदद इस तरह से भी कर सकते हैं, आप किसी की कोई उलझन सुलझा दें, छोटे से छोटा कोई भी आइडिया आपके दिमाग में हो तो बस कर दीजिए, वो एफर्ट्स डाल दीजिए, आप हेल्प दूसरों की करेंगे फ़ायदा आपका हो जाएगा, ये चारों मेजर हैप्पीनेस केमिकल्स आपके अंदर भरपूर मात्रा में रिलीज होंगे, और फिर देखिए आप कैसे खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे। तो इसके लिए आपको ना कोई अलग से टाइम भी नहीं मैनेज करना पड़ेगा, आराम से आपकी उसी दिनचर्या में फिट हो जाएगा। साथ ही साथ अपने आप को काम, रिलैक्स एंड पॉजिटिव रखने के लिए मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहती हूँ। अगर आप डेली फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इस पृथ्वी पर जो आकर आपको परेशान कर जाए। करना क्या है, इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, सुबह के टाइम जब आप सोकर उठते हैं और रात को सोने से जो 10 मिनट पहले का समय होता है, उस समय हमारे अवचेतन मन की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं,
तो उस वक्त उस समय को ऐसा मानिए कि ईश्वर की तरफ से आप सबके लिए एक वरदान है, एक गिफ्ट है, एक अनमोल तोहफा है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। आप सुबह उठते ही हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि हे भगवान, मैं एक दिन और देख पाई, आज का दिन पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा, आज के दिन मैं बहुत ही खुश रहूँगी, आज के दिन मेरे जो भी गोल्स हैं मैं उसे आसानी से अचीव कर लूँगी, आज के दिन मेरा ये जो जीवन है वो किसी ना किसी के काम आएगा। या आप इससे अलग भी कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, किन्हीं भी लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, बट ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। क्योंकि ग्रैटिट्यूड शो करने से ऐसा होता है, ईश्वर को लगता है मैंने इस अपने बच्चे को जो भी तोहफा दिया है ये उसकी कदर करा है, और ईश्वर खुश होकर आपको और ज़्यादा तोहफे देते हैं। इसी तरह से उसके बाद आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, आप कि मैं मनुष्य हूँ और जाने अनजाने मुझसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, मैं अपने आप को माफ़ कर कर आज आगे ही बढ़ूंगी, और अगर आज मेरे दिन में कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसकी वजह से मैं परेशान या मुझे तकलीफ होगी, मैं माफ़ कर कर आगे बढ़ूंगी। फिर आप देखिए आप कैसे पूरा दिन पॉजिटिव, एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग रहेंगे, कोई भी आपको परेशान ही नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ अगर आप एक दो मिनट का विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस और कर लेंगे तो आप देखिए ऐसा लगेगा आपके हाथ ना खुशियों की लॉटरी लग गई है। इसके बाद क्या करना होता है, आपने अपनी आंखें बंद कर बैठ जाइए आराम से, और आप ना विजुलाइज कीजिए अपना पूरा दिन, या आपके कोई गोल्स हों, चाहे वो आपके रिलेशनशिप गोल्स हों या आपके कोई करियर गोल्स हों, आप उनको विजुलाइज कीजिए कि आपने उनको ना ऑलरेडी अचीव कर लिया है, और अचीव करने के बाद अपनी उन बंद आंखों से ही आपको ये सब इमेजिन करना है कि आप जब उसको अचीव कर चुके हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके कानों में क्या शब्द पड़ रहे हैं, आपके चेहरे पर क्या भाव हैं, आप क्या बन गए हैं। मीन्स जब आप आउटकम को सारी की सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करके इमेजिन करते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड आपको उस गोल को सर्व करने में लग जाता है, और आपके हाथ खुशियों का खजाना लग जाता है। तो इस छोटी छोटी टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी मेंटल हेल्थ का आसानी से ख्याल रख सकते हैं, आप खुद भी खुश रह सकते हैं और बाकी लोगों को भी खुश रख सकते हैं। आई होप ये मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकता है तो उसको शेयर करना याद रखिएगा। जल्दी ही फिर मिलूंगी आपसे माई डियर वंस, मुझे आप सबसे बहुत 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 प्यार है, और मैं हर संभव कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके घर बैठे ही आपके उसमें मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। ये मेरी छोटी छोटी टिप्स अगर आपकी हेल्प करती है, आपको और मदद करती है, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से और एफर्ट ताकि मैं मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं ना आपकी और हेल्प कर पाऊँ। ओके बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि एंड विश यू अ ग्रेट मेंटल हेल्थ। आई लव यू ऑल।